अब तक परंपरागत पढ़ाई पर जोर दे रहे मदरसों को बदलने के लिए यूपी सरकार ने खास योजना तैयार की है। इसके तहत मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मदरसों को ऑनलाइन करने के बाद अब मदरसा बोर्ड नई तैयारी में जुट गया है। सरकार के नए कदम के बाद अब मजहबी किताबों के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबें भी मदरसों में पढ़ाई जाएंगी, यानी मदरसों में अब ज्यादा जोर एनसीईआरटी की शिक्षा पद्धति पर होगा और खास तौर पर गणित और विज्ञान पर। योगी सरकार से हरी झंडी मिलते ही मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें शामिल करने की तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही यूपी के 2000 से ज्यादा सरकारी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें दिखाई देने लगेंगी। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों पर मदरसों में ज्यादा जोर होगा। खबरों के मुताबिक नए सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सभी विषयों की किताबें उर्दू भाषा में होंगी। इससे पहले यूपी सरकार ने फर्जीवाड़ा और अनियमितता रोकने के लिए मदरसों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला किया था, जिसमें 16,461 मदरसों ने जानकारी उपलब्ध कराई थी। वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध न कराने वाले 2,662 मदरसों की मान्यता रद्द किए जाने के आदेश दिए गए। नए नियमों के मुताबिक केवल उन्हीं मदरसों को मान्यता और अनुदान का हक मिलेगा जिन्होंने वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।